नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के रानीसराय ब्लॉक के पूर्व प्रमुख इसरार अहमद की दरिया दिली का सिलसिला लगातार जारी है। इसरार अहमद ने आज पर निजामाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम सभा अमौड़ा जखनिया में 76 जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित की। इसरार अहमद ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग एक मीटर की दूरी पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, गर्म पानी का सेवन भी करते रहें और साबुन से बार बार अपने हाथों को जरूर धोएं, क्योंकि सुरक्षा ही एकमात्र उपाय है इस बीमारी से बचने के लिए, क्योंकि अभी तक ना ही इसकी कोई दवा बन पाई है और ना ही वैक्सीन जो इस महामारी को खत्म कर सके। इसरार अहमद ने कहा कि आज 30 दिन से लगातार गरीबों के बीच, जरूरतमंदों के बीच जाकर उनकी मदद कर रहा हूं। इस महामारी में समाज सेवियों को समाज में आगे आना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद स्थानीय लेखपाल की मौजूदगी में सभी लोगों को राशन वितरित किया गया, जिसको लेकर लोग अपने अपने घरों को गए। साथ ही इसरार अहमद ने कहा कि अल्लाह ईश्वर ने लोगों की मदद करने का जो मौका मुझे दिया है, उसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा और सभी जरूरतमंदों की मदद करूंगा, चाहे वो जिले के किसी भी क्षेत्र से मदद के लिए मेरे पास सूचना भेजे या सूचना आएगी तो मैं उन तमाम लोगों की मदद जरूर करूंगा। यह अमौड़ा ग्राम सभा है, यहाँ तीन गांव हैं, अमौड़ा, जहनियापुर, तोनीपुर। यहाँ 76 लोगों का आज राशन वितरण किया गया है। कुछ लोग छूट गए थे, वो आ गए तो उनको नगद रुपया भी दे दिया गया। यहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ स्कूल में बचे हुए हैं उन लोगों का आज मामला सामने आया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उन लोगों को भी कर दिया जाएगा। अमौड़ा और तोनीपुर के एक जगह बांटा गया है और जहनियापुर का यहाँ के लोगों का था, यहाँ अलग दिया गया है। हम यही कहते हैं कि बिना जरूरत के घर से न निकलें और इसका इलाज पूरे विश्व में नहीं है, स्वयं इंसान के पास है। दूरी बना के रखे, गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पानी से नहाए, गर्म पानी दोपहर, सुबह, शाम तीनों टाइम इस्तेमाल करें, वही इसका इलाज है। इसलिए मैं उन थोड़ा सा 2 मिनट संबोधन में वही इनसे बताता हूँ। साफ सफाई का ध्यान रहें, क्योंकि लॉकडाउन का अगर सही पालन करेंगे तो फिर हमारे देश से ये मर्ज खत्म हो सकता है, अन्यथा इलाज तो इसका नहीं है। जी सर, देखिए मैं यही कहूँगा कि मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जिससे खुश होता है उसी से काम लेता है। ये लोग भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे भी काम ले लीजिए, और मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे काम ले रहे हैं और इंशाल्लाह होता भी रहेगा। और मैं इन लोगों को कहना चाहूँगा, अभी बहुत से लोग हैं, मैं कई बार इन लोगों से कहा कि आप लोग जो है खिदमत करना चाहते हैं, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो अपने कार्यकर्ता के, अपने संगठन के माध्यम से कहीं ना कहीं उनका खाता मंगा लें, उसमें पैसे डाल दें, कुछ लोग जरूरत मदद कर दें। इसमें इस वक्त आज ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा इन लोगों का, जैसे जीत कई हार बाकी है, अभी कई कारोबार बाकी है, अभी कई जीत कई हार बाकी है, अभी कई कारोबार बाकी है। ये तो किताब का एक पन्ना है, अभी तो पूरी की पूरी किताब बाकी है। की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।